Hey everyone, welcome to our channel anujindal.in. My name is Chetan and आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं that what is the right time or what is the best time to start your preparation for SEBI grade exam 2023. ये जो words हैं best time या right time, ये काफी commonly हम लोग use करते हैं. जैसे कि कल ही मुझसे सूरज, जो आपके नवार्ड के मेंटर है, he was asking me कि what is the right time to invest in a particular stock. और इफ यू रिमेम्बर योर स्कूल डेज, जब हम लोग 8th या 10th स्टैंडर्ड में होते थे, तब हम लोग सोचते थे दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू चूज अ करियर ऑप्शन. और फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन यू लुक फॉर द बेस्ट टाइम और द राइट टाइम. सो टू सम इट अप, देयर इज नो एज सच बेस्ट टाइम और राइट टाइम जिसको हम एक डिफाइन कर सकते हैं, ओके, बिकॉज इट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड. बट अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, देन द बेस्ट टाइम इज as soon as possible. जितना जल्दी हम start कर सके उतना best होता है, okay? Because then we get ample time for covering the syllabus as well as revision. So if you ask me what is the right time or what is the best time to start our preparation for SEBI, I would say the right time or the best time is now, okay? Do not delay it further. जब जागो तभी सवेरा. और इसके लिए कुछ मैं आपको facts या कुछ reasons भी दे सकता हूँ that why this is the right time to start your preparation. फ्रॉम द सोर्सेज, फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, वी हैव कम टू नो कि आपका सेबी ग्रेड ए एग्जाम, द फेज वन ऑफ द एग्जाम, वुड मोस्ट प्रोबेबली बी कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड द फेज टू ऑफ द एग्जाम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी. ऑब्वियसली एग्जाम लेट होता है तो आपके पास और टाइम बच जाएगा फॉर रिविजन, यू कैन डू मल्टीपल रिविजन. बट हम ये अज्यूम करके चलेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड, जो अकाउंट्स में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस पढ़ते हैं, वही अब हमको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में, ओके. सो स्टार्ट प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी गेट एम्पल टाइम फॉर रिवीजन. तो अगर अभी भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वी स्टिल हैव 3 to 4 months इन आर हैंड, 4 महीने अभी भी है हमारे पास टू कंप्लीट द सिलेबस एंड डू द रिविजन. एंड एज यू नो, सिलेबस की बात करें तो पेपर टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेपर टू, द सिलेबस ऑफ पेपर टू इज सेम इन बोथ फेज वन एंड फेज टू. पेपर टू सेम है, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज हायर ऑब्वियसली इन फेज टू. तो पेपर टू शुड बी आर सेंट्रल प्रायोरिटी. एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो भी हमको उस पर भी एडिक्वेट एम्फोसिस देना पड़ेगा, बिकॉज we have observed that a lot of candidates do not give adequate attention to English descriptive and they lose out marks because English descriptive ke bhi marks aapke count hote hain. Obviously phase 1 qualifying nature ka hai to us pe bahut zyada effort humko nahi dena padta, but again that is the first screening criteria, usko bhi clear karna hi hota hai, okay. So that is why maine strategy ki bhi baat kari hai for both working aspirants and non working aspirants. So, वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं. यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ यू कैन स्टार्ट अबाउट योर प्रिपरेशन, ओके. किस तरीके से आप अपना प्लान बना सकते हो, डेली स्केड्यूल बना सकते हो, ओके, डिपेंडिंग अपॉन आप वर्किंग हो कि नॉन वर्किंग हो. सी, वर्किंग कैंडिडेट्स ऑल्सो डू नॉट नीड टू वरी, आप लोगों के पास भी सफिशियंट टाइम है. अगर एक यू नो स्मार्ट वे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू आर गिविंग, इट्स अबाउट कितना टू द पॉइंट आप पढ़ते हो, जो रेलेवेंट है आप वो पढ़ते हो, ओके, एंड किस कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके. डू नॉट रन अबाउट दिस रैट रेस ऑफ स्टडिंग मोर नंबर ऑफ आवर्स, स्टडिंग 8 आवर्स. कभी भी क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी मैटर करती है. इवन 3 to 4 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी डेली, आई कैन अश्योर यू, यू कैन क्लियर द एग्जाम, बट इट शुड बी इन अ डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट मैनर एंड इन अ वेरी वेरी स्मार्ट वे, ओके. स्मार्ट स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट. सो यही मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफन आस्क दैट तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए. सो आई ऑलवेज टेल देम दैट जब भी स्टार्ट करो, बिकॉज देर इज नो सच स्पेसिफिक बेस्ट टाइम. कोई आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि दिस पर्टिकुलर डेट ये एक बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, ओके. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. वाई? बिकॉज रिविजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रिविजन को हम लोग साइडलाइन कर देते हैं, रिविजन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं. सिलेबस कवर कर लिया वो तो प्रिलिमिनरी स्टेप है, लेकिन रिवाइज करना वो भी मल्टीपल टाइम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटेन नहीं तो नहीं कर पाओगे आप. देर आर सो मेनी फैक्ट्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स,
हाउ विल यू रिटेन दैम? यू कैन ओनली रिटेन दैम थ्रू मल्टीपल रिविजन, बिकॉज दिस इज अ सैड पार्ट. ऑल्दो कि काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनली मुझे लगता है फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछने चाहिए. रादर द एग्जामिनर शुड टेस्ट आर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रैशनल थिंकिंग, बट दिस इज द रियालिटी. तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमको याद करने पड़ते हैं, फैक्ट्स भी हमको याद करने पड़ते हैं. तो दैट इज वाई मल्टीपल रिविजन बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट. सो ऑन दैट नोट आई विल क्लोज द सेशन हियर. जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.